जय श्री राम मित्रों मित्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आज अपन सेशनल वर्क डायरी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उसके ऊपर सत्र कार्य या सेशनल कार्य तैयार करेंगे, और जिसका जो टॉपिक है वह है वर्ड कार्ड, पिक्चर कार्ड या पजल कार्ड क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शब्द कार्ड छोटे कार्ड होते हैं जो आपको शब्दों को याद करने में मदद करते हैं। शब्द कार्ड को एक सेट बनाना शब्द को संशोधित करने का आसान तरीका है। शब्द कार्ड बनाने के लिए इन चरणों का पालन करना आवश्यक है। तो पहला है, एक तरफ आप शब्द लिखें, शब्द तनाव और उच्चारण, शब्द का प्रकार, संज्ञा, क्रिया आदि के साथ, और दूसरी शब्द के साथ परिभाषा या वाक्य लिखें, अनुवाद भी लिखें। जैसे शब्द कार्ड क्या क्या लाभ, जैसे शब्द कार्ड भाषा कौशल में सुधार करते हैं, कहानी रचना करने की क्षमता करते हैं, याद रखने में सहायता करते हैं, ये हो जाएगी शब्द कार्ड के लाभ। चौथा हो जाएगा, समस्या का विश्लेषण करते हैं, शब्दावली को स्मरित करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के अलावा एक फ्लैश कार्ड के लाभ के आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अच्छा और प्रभावी संचार विकसित कर सकते हैं और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। देखिए शब्द कार्ड कैसा होता है, देखिए शब्द कार्ड के अंदर एक तब शब्द लिख दिया है, उसका अर्थ लिख दिया है, और देखिए चित्र वगैरह सारी इसके अंदर डिफाइन कर दिया, ये हो जाएगा आपका क्या, शब्द कार्ड। तो इस प्रकार से देखिए शब्द कार्ड इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए जैसे बी फोर बॉल होता है, तो बी फोर बड़ा भी लिख दिया, छोटा भी लिख दिया, तो बी फोर बॉल और उसका अर्थ भी लिख दिया इसके अंदर। तो इस प्रकार से अध्ययन पूर्वक आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए, जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से आप लिख लें। फिर मित्रों में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य के अपडेट आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चढ़ेंगे आपके पिक्चर कार्ड। तो पिक्चर कार्ड क्या होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। चित्र कार्ड या वर्गाकार कार्ड पर चित्र होते हैं, सबसे बहुमुखी टेम्पलेट्स में एक जिनका उपयोग कर जैसे किया जा सकता है, चाहे आप संचार कार्ड, साक्षरता कार्ड, मतदाता गति व्यवहार, कोई अन्य सामग्री बना सकते हो। चित्रकार संचार और प्रमुख भाषा उदाहरणों को पढ़ने में सहायता करने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है, चाहे सामाजिक मौखिक हो या यदि शिक्षार्थियों के पास सीमित भाषण क्षमता है तो चित्रकार उन्हें प्रदर्शित वस्तुओं या क्रियाओं के लिए शब्द सीखने में मदद करते हैं। चित्रकार शब्दावली, आलोचनात्मक सोच, भाषण, भाषा कौशल और बहुत कुछ बनाने का एक शानदार तरीका है। ये कार्ड विशेष सीखने की जरूरत वाले बच्चों के लिए शब्दावली बनाने में निर्माण करते हैं। जैसे चित्र कार्ड के अंदर जैसे उसका चित्र बना दिया, उसके लिख भी दिया, जैसे कार हो गया, छाता हो गया, अम्ब्रेला हो गया, वो सारे इसके अंदर जैसे फूल हो गया, तो उसके अंदर उसका नाम भी लिखा जाता है ताकि बच्चा उसको पढ़ सके। उसके लिए स्पेशल चीज़ बनाई जाती है, चित्र कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन कर दी मैंने। तो आप ध्यानपूर्वक इन सभी को लिख लीजिएगा, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसमें मिलते रहेंगे। नेक्स्ट चढ़ेंगे आपकी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड। देखो क्रॉसवर्ड पजल कार्ड क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूँ। क्रॉसवर्ड के नियमित अभ्यास याददाश्त और सोचने की क्षमता में सुधार हो सकता है। ये अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने वेब आधारित क्रॉसवर्ड पजल के हैं उनमें हल्की स्मृति समस्या वाले लोगों के वेब आधारित संज्ञानात्मक गेम खेलने वालों की तुलना में अनुभूति में सुधार व कम मस्तिष्क संशोधन का अनुभव क्या है। वर्ग पहली को पूरा करने के लिए तनाव दूर करने, बौद्धिक कल्याण में सुधार करने, एक नई भाषा सीखने में सहायता और बहुत कुछ करने में मदद मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रॉसवर्ड पजल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद होती है। तो ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए से क्रॉसवर्ड पजल फायदेमंद होती है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए क्रॉसवर्ड जो पजल होती है, तो इस प्रकार से देखिए आप एक क्रॉसवर्ड पजल का मैंने चित्र भी बनाया है, किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करते हैं। तो एक क्रॉसवर्ड पजल से क्या है, बच्चों के अंदर तनाव वगैरह या उनका सोचने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती है। तो मैंने कुछ क्रॉसवर्ड पजल मैंने आपको बना के बताया, तो आप ध्यान पूर्वक इन सभी को लिख लीजिएगा फ्रेंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य के अपडेट आपको मिल सके। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और बीए से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आपको और भी पार्टी जाने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज भी जाए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषय की पार्टी वहाँ पर उपलब्ध है। अगर कोई पार्टी नहीं मिलती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पार्टी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूँगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।